भाई पिछली बार तो हम वीडियो बनाने लगे, सिद्धार्थ जी का मूड नहीं था, सुखविंदर सिंह जी का। हाँ ठीक है, आज थोड़ा सा इनका मूड बनेगा तो ठीक है। अभी हम बैठे थे यहाँ पे, आ रहे हैं बस, क्योंकि थोड़ा सा प्लान बनाना है सर, मेरी वापसी का टाइम आ गया तो अब जा रहे हो तो आपको बढ़िया से सी ऑफ देना है। लेके जाऊंगा, कई वजह है वैसे पार्टियां लेने की। ठीक है ना, बुलाओ बुलाओ। कहाँ आ रहे भाई? ने कई बार कहा है कि सेवन स्टार चलेंगे, बढ़िया ब्रंच करेंगे, और हर बार ये हमसे लंच डिनर ले लेता है, इस बार ब्रंच इसी लेना है। ये सुखविंदर की बात हो रही है बाय द वे, क्योंकि कई बार बोल चुके हैं सुखविंदर जी के आपको ब्रंच पे लेके जाऊंगा। सबको पता चला है कि भाई ये सुखविंदर लो आपने तो रखा फोन, हम जब भी देखते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम आपको इनोवा से उतार दें? आपकी इनोवा दिलाई हमने, हमारा भी राइट है। ये बात तो ठीक है सरदार जी। भाई साहब कमीशन लेने का राइट खत्म हो गया। गंदी गंदी गाड़ियां दिखाए भाई साहब, मतलब ऐसी गाड़ी दिखाई कमीशन लेने, 3 लाख किलोमीटर चली हुई थी और मीटर पीछे चलाया था। 3 लाख कर दी, 1 लाख की। कितनी बढ़िया गाड़ी दिला रहे हैं आपको, लाइन लगा देंगे इनोवा के लिए। अरे भाई साहब, गुलाटी साहब आप भी ना गंदी गंदी बातें कर रहे हो यार। छोटी बातें डाल सकता है, कोई बात नहीं, सब डालेगा ये। ये थोड़ी डालूंगा यार, तुम वीडियो नहीं बना रहे। किलोमीटर चली हुई गाड़ी दिखा दे। बात ऐसी तो कर जो बेचारा डाल सके, तू नीचे पीछे बैठ जाता अगर वो डाल देता तो। तेरी सिंपलिसिटी पे बात करते लोग, हाउ सिंपल ही इज। हां कहां जगह है पीछे बैठने की? तो इतनी जगह है, कहां बैठता? कहां से जाता? नीचे टांगे भी सीधी हो जाती यार, ना करो कहानी। ऐसा है, थोड़ा काम की बात है ना। कच्चे में चले गए थे आप पासपोर्ट लेने? आ जाओ। पासपोर्ट लेने तो जाना था यार, बस जाके क्या कहते हैं सर, आपको वहाँ पे लोग जानते हैं, कई लोगों ने मिल लिया होगा। जानते हैं, जिन्होंने पासपोर्ट एक्सेप्ट किया वो जानते थे। उन्होंने स्पेशल फोन करके बताया सर आपका पासपोर्ट आ गया, ऑफिशियल स्टेटस आने से पहले। क्या बात है सर, क्या बात है। तो मैं गया लेने आया, उन्होंने अपने थोड़े कुछ रिलेटिव उनके जो है हमारे सपोर्टर रहे हैं वो भी आए हुए थे, उनको भी बुला रखे थे कि मास्टर जी आने वाले हैं। हां उनसे मिला, आराम से टाइम स्पेंड किया। लेकिन आपको टायर तो ठीक पहनना चाहिए था। अरे सर मैं गाड़ी में यार जिस दिन फंस के बैठना हो ना, चाहे जहाज की जुड़े गाड़ी हो, मैं खुला खुला, आज मेरा वर्क फ्रॉम कार का दिन था, सुबह से काम कर रहा हूँ गाड़ी में बैठ के। चलो बहुत अच्छी बात है। और सर बिलीव इन सिंपलिसिटी सर। क्या बात है, ये चाहता है कि भी सिंपलिसिटी का टैग ये लेके जाए जो कि इनको आप दे दो ब्रो। मैंने कहा सर बिलीव इन सिंपलिसिटी, सिंपल सिंपलिसिटी विद हाई लिविंग। कमेंट्स आएंगे आपके नाम के, चिंता मत करो सिंपलिसिटी की। गंदी गंदी बातें अब करूं, बंद कर दूं कैमरा, बंद कर दूं कर दे ऑफ कैमरा, बातें शुरू करें। डालने वाली कोई बात करी नहीं इसको। अरे मुझे लगा था पैसे आए नहीं। चलो सरदार जी से पैसे लेते, मैंने थोड़े से आ गए आ गए। हाँ जी हाँ हाँ भैया, आज जो है ये पूरन सिंह जी ने इनको भेजा था, क्योंकि हमारे पास ड्राइवर आप ही लगा लो ज़्यादा टाइम रह नहीं सकते ना, क्योंकि हम फुल टाइम रख नहीं पाते किसी को। तो आज मैं काम करता गाड़ी में, अभी सुखविंदर की गाड़ी छोड़ेंगे, गुलाटी साहब की गाड़ी इनका ड्राइवर ले जाएंगे, हम जो है अपना बैठेंगे, इनोवा चलेगी। बस अब मुद्दा लड़ाई ये चल रही है गाड़ी चलाएगा कौन। आज से 10-15 साल पहले जो है हमारी ये लड़ाइयाँ होती थी कि गाड़ी कौन चलाएगा, और अब ये होती है कि कौन नहीं चलाएगा। इतने थक चुके हैं क्योंकि उस टाइम पे शौक होता है, मेरी फेवरेट हॉबी होती थी एक टाइम पे, गाड़ी चलाना, टफरी पे निकलना, सब बंद हो गया, बूढ़े हो रहे हैं। अब सर आप ना एक काम करो, सारे दरवाजे लॉक कर दो सिवाय एक इसके, घुसेगा कभी नहीं चलाता सर अपनी गाड़ी। गया कहाँ है? गया कहाँ है? देखो ब्रो, गाड़ी मैं चला लूंगा पर यू बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, बिकॉज मेरे फोन बचते हैं ज्यादा। अरे यार हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे इसकी लाइफ नहीं है। अरे ब्रो हम तो अपनी लाइफ हथेली पे लेकर चल रहे हैं। और सुनो, जो चलान होंगे उसकी भी जिम्मेदारी मेरी नहीं है,
यार ये अच्छा ब्लैकमेल है तुम दोनों का। क्या ब्लैकमेल है यार, मटेरियल आदमी है, मालिकों से तुम गाड़ी चलवाते हो। गंदी बातें कर रहे थे यार, क्या कह सकते हैं, जो आदमी गंदा होता है उसके उसकी जबान ही ऐसी होती है यार। पांच नंबर जाना पहले वीडियो अपलोड करनी है, यहीं से ले लेता ना, पांच नंबर यहां से ला लेता है। ओ, मतलब गाड़ी तेरे को दे दी तो तू ऐसे भगाएगा यार। देख यार, देख ध्यान से यार, बेल्ट और पेन, बेल्ट पहन ले, बेल्ट भूल गया, बच गया फोन, बात तो सही कर रहा है यार। ठीक है ठीक है, पांच नंबर चला रहा हूँ, दोनों के दोनों बज रहे हैं, मतलब हद ही हो गई। समझता नहीं हूँ। तो व्लॉग बना रहे हो आज का? चलो बढ़िया सर। कंप्लेन हरी पिछली कई वीडियो से मिस हो गया, थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है। अभी रिकॉर्ड ले लिया ना, कर लिया ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। हेलो, यही वाला कह रहे थे। अच्छा सर, ये जो हमारा पुराना वाला घर है ना, दीदी कुछ डिस्कस करना चाह रही थी कि इसको मेरे ख्याल से तोड़ के दोबारा बनाने का या क्या, क्योंकि कमर्शियल भी है, तो इसलिए अब आपसे बात करवा दूं। फैमिली पहले बात कराओ उनसे, हमारी बहन है वो बड़ी। वो मम्मी की दवाइयाँ बाद में दूंगी, अभी दो दिन है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल आना है उनका, बंद कल आ जाऊँ? ठीक है, आज मुझे रात को बिल देंगे। ठीक है, एक दो मेडिसिन दे दी थी वो भी देंगे। ठीक है, ये सर आप ही पकड़ो, मेरे हाथ में लैपटॉप है। ठीक है दीदी, अब गाड़ी मैं चलाऊँ? अरे ना करो, मेरे को थोड़ा सा काम हो रहा है यार, अभी थोड़ा सा काम हो रहा है, चला यार प्लीज। हाँ हाँ, जनरली है। अरे यार वो थंबनेल हमने डालनी है, सरदार जी चला लोगे प्लीज? अभी हम 1.5-2 घंटे से घूम फिर रहे हैं, थोड़ा बहुत खा भी रहे हैं, मगर व्लॉग शूटिंग ज़्यादा इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आखिरी वीकेंड है, इसके बाद फिर निकल जाना, तो मैंने कहा यार मित्रों के साथ। प्लस दूसरी बात ये कि इनकी एक तो फ़ोन भाई, फ़ोन इनके इतने बजते हैं, दूसरी चीज़ आज ये इतनी उसमें थे कि 70% इनकी कॉन्वर्सेशन वीडियो में डालने लायक ही नहीं है जो बनी है, इसलिए ये वाला पार्ट छोटा रहेगा, बाकी अगले पार्ट में अपने साथ चलना है सर। ठीक है सर, कमिटमेंट है ना? कमिटमेंट है, आयुषी वेट कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि अब मेरे आखिरी 1-2 दिन रह गए हैं इंडिया में, तो तैयारी हो गई है बाहर जाने की, क्योंकि मैंने 3 कंट्रीज जाना है, तो इसीलिए बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। वीज़ा तो चलो आ गए हैं, भगवान की दया, इंस्टाग्राम पे जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, मैंने सारी अपडेट दे दी थी, बट अब जो है यहाँ से अपने को जाना है ताऊ जी से मिलने, और जो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट काम हर बार निपटने से निकलने से पहले, लंबा जाने से पहले निपटाने होते हैं वो करने। राम राम साहब जी, कैसे हो? बस ठीक है, आप सुनाओ? बस एकदम बढ़िया। परदेसी भाई? परदेसी बस चले परदेस फिर से। हाँ, इसलिए मैं कब मिलूँ, पहले आशीर्वाद ले आऊँ आपसे, क्योंकि लंबी ट्रिप है। चलो हो गया काम प्लम्बर वाला, बढ़िया बढ़िया। चाचा जी को अब जी मैं वो वाली वीडियोस दिखा रहा था जो सैंडर में, अब थोड़ा सा अलग काम करना शुरू कर रहे हैं, उसकी फीडबैक चल रही थी, तो मैं आपको बताया भी था मैं पीछे स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह हायर कर रहा था, बट दैट वाज नॉट फॉर माय प्राइमरी ट्रैवलिंग चैनल, उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। सैंडर ने कुछ इंस्टाग्राम पे करना है आई थिंक, तो हमने जब लिंक्डइन पर डाली थी दीदी हमने ऐड, जो हाँ प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्क है, $3 लगते हैं एक दिन के, 200 रुपये, और हमें एक हफ्ते के अंदर 1200 एप्लीकेशन आए। हाँ, सो इट वॉज लाइक रियली चीप फॉर द प्राइस अदर देन किसी जॉब साइट का ढूंढने के लिए। उसमें से 800 के करीब सैंड्रा ने देखी हैं, और उसमें से 10 या 12 शॉर्टलिस्ट करके अलग अलग राउंड हुए हैं, जिनमें से हाँ जिनमें से 3 बड़ा मुश्किल, जिसमें से 3 हमने स्क्रिप्ट राइटर ऑलरेडी फाइनल कर ली हैं, 2 एडिटर फाइनल कर ली हैं, एंड दे आर नॉट फॉर माई प्राइमरी चैनल, तो इसीलिए अब ये हम कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ये सारी चीज़ें काम करने में, इनको प्लान करने में, दैट इज़ वाई वीडियोज दीज डेज आर ऑल्टरनेट, कि ये एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाए, आगे के जो प्लान है वो फिर डिटेल डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों के साथ, ये हो जाएगा तो फिर बाकी बताएंगे। जरूर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बस लगे हुए। चाचा जी आपका आशीर्वाद रहेगा तो खींच देंगे मीटर।
हमारे लिए मेरे ये भी फोटो खींचा खाने की भी बिस्कुट खाने की। बिस्कुट कोई बात नहीं, पहले बताओ कैसा है, कॉफी वाला है? चाचा जी ने मुंह उधर कर लिया कि ये वो लग रहा है जो शादी में खाना खाते हुए कैमरा मैन नहीं आ जाता वीडियो बनाने के लिए। चाचा जी को चैन से खाने देता हूँ अभी फिलहाल। छह महीनों का सामान है वो देखो सीट कर, आपकी चेयर देखो, लैपटॉप और सर ये क्या जुगाड़ है ये? हाँ ये सर टेलीप्रॉम्प्टर है। वो क्या होता है सर? जैसे इसके ऊपर लगता है कैमरा। अच्छा ठीक है। और ये जो ग्लास है ना, ये रिफ्लेक्टिव ग्लास है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं आईपैड नीचे। अच्छा। तो आईपैड में जो चल रहा होता है ना वो इसमें मेरे को सामने दिखता है। तो जब जैसे मान ले सेंटर ने कुछ बैठ के बोलना है, अच्छा, तो उसने कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी है, कुछ करना है, तो वो सामने बैठ के बोलती है, उसके सामने स्क्रिप्ट चलती रहती है, मगर आंखें उसकी सीधी कैमरे में होती है। ओके समझे, कैमरा इसके पीछे छुप जाता है। अच्छा, ये रिफ्लेक्टिव ग्लास है। ओके, तो क्योंकि अगर आपने जो जैसे वो जिस टाइप की वो वीडियोस बना रही है उसमें प्रसाइज इन्फॉर्मेशन बट टाइम पे नहीं, उसमें फैक्ट्स में गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक बात है। तो इसीलिए वो प्रॉपरली पढ़ना पड़ता है साथ के साथ। अच्छा सर, आपके पास सारे जुगाड़ है। एक मिनट, फोन आ रहा है मेरे, मैं फोन उठा लूं? हाँ उठा लो, उठा लो। हाँ शायद भाई, बाकी जी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक ठाक लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, सर थोड़ी बहुत तो दिखा दो स्लिटिंग लाइन। तेरी जब तेरे को 3 महीने से कह रहा हूँ फैक्ट्री लेके चल, यहाँ वीडियो दिखा दो तेरी स्लिटिंग लाइन की। तो फिर क्या करना है अब, क्या करना है अब, 3 महीने बाद होगा जो। चलो फिर आप बेल आइकन दबा दो। चलो दबा दो जी बेल आइकन। थैंक यू।